और जिनकी कमाई मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। यूपीएस पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, पेंशन मिलेगी बढ़कर आपको और साथ ही मेडिकल की सुविधा यानी कि ईपीएफओ की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। पेंशन भोगियों के लिए यानी कि बहुत ही अच्छी खबर, पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है, कल सरकार ने 5 बजे आदेश जारी कर दिया यानी कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो मांगे रखी गई है वो अब पूरी होती नजर आ रही है। और कल ही सीबीटी की मीटिंग में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया, पेंशन धारकों के लिए राहत की बात, पेंशन आपको बढ़कर मिलेगी यानी कि लगातार 3 साल के संघर्ष के बाद 34 साल के 136वें दिन ये फैसला सामने निकल कर आया। और सरकार ने एक आम फैसला लेते हुए आदेश भी जारी किया है और पेंशन धारकों को अब कोई भटकने की जरूरत नहीं है, पेंशन भोगियों को पेंशन भी बढ़कर मिलेगी, साथ ही मेडिकल की सुविधा यानी कि बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है। अब आपको वर्तमान में जो पेंशन मिल रही है अब जो 7,500 मिल रही है अधिकतम पेंशन, और अब ईपीएफओ से बढ़ाए 8,500 रुपये यानी कि इसको लेकर बात कही गई है। कल सीबीटी की मीटिंग में ये बहुत ही बड़ा फैसला जो बहुत ही अच्छी बात है, पेंशन धारकों को अब भटकने की कोई जरूरत नहीं है, पेंशन जल्दी पेंशन भोगियों के खाते में आने लगेगी और साथ ही मेडिकल की सुविधा सीबीटी की मीटिंग में बहुत ही ये बड़े फैसले आपके लिए निकल